गलती तो हमारी ही है, एक गलत आदमी पर भरोसा जो किया हमने, राजा पर। सजा का हकदार सिर्फ मैं हूं, इसलिए फैसला। कैसा फैसला सरदार? क्या हमारे इतने भाइयों की मौत का नुकसान कम है कि एक और? हम अपना अपना घर छोड़ देंगे, खेत चला देंगे, नई नई दिशाओं में जाकर बागी किसानों और द्रोही सैनिकों को इकट्ठा करेंगे, फिर अपनी जमीनें ही नहीं राजा और गुरों को भगाकर माधवगढ़ पर कब्जा करेंगे। भगाकर नहीं ओए प्रावा, रपती सौ कट कट के, क्योंकि 4,500 पिंडारियों की मौत का बदला उस पैर दे टके राजा और उसकी एक 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 फिरंगी साथी नू कट के ही पूरा होगा। तो फिर जबान देता हूं, राजा और उसके एक एक फिरंगी साथी को काटूंगा या खुद कर जाऊंगा। देख तेरा पुण्य पूरी रेल लूट के लाया है। तू सच कह रहा है? हाँ, सब मैंने किया है। अब गदा को कहना जितने भी हथियार खरीदे माधवगढ़ पे हमला करने के लिए खरीदे। लीरा कहाँ है? ओए दद्दे, कहाँ है दद्दे? आज झपट जाऊंगा तो रपट ही दूंगा। तो रपट दे। क्या जंगलियों की तरह लड़ रहे हो तुम बाप बेटे? अरे यही करना था तो पढ़ा लिखा क्यों इन्हें? कहाँ पढ़ाया, और पढ़ाना है इसे। अरे बस भी करो। दद्दे, एक दिन मैं तुझे इस पानी में जरूर फेंकूंगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। देखा क्या बेटे हैं मेरे। और मैं? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। जिस प्रथा के अर्थ को हम सब भूल ही चुके हैं उससे कैसा अनर्थ, जिन मेमनों की मां उन्हें हमें दूध देकर बड़ा किया है, क्या हम उन्हीं माओं के मेमनों को मार दें? कमजोरों पर ताकत आजमाना कमजोरों की ताकत है। ये मेरे दद्दा की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है, सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है, फिरंगियों की गर्दनों के लिए है। Be careful. How much are we going? माफी, वीरे, क्या भूखा भूखा चल रहा है? जब तू यहाँ आ ही गया है
तू पूरा क्यों नहीं आ जाता? दो साल ही की तो बात है। दो साल? दो क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। दो साल में उसका ब्याह हो गया तो दद्दा की सोच को भी पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ हमको गोरों की सोच समझने भेजा है, तलवारों के साथ हमको माधवगढ़ भेज देते। छह महीनों में वहां How dare you? Excuse me. इसके लिए हम माफी चाहते हैं। I'm sorry. आप पी ले लीजिए। वीरे, वीरे, देख, ऊ, ऊ। लंदन में वो ट्रेन वाली दिखाई दे रही है। है? ये फितूर मेरे दिमाग से कब उतरेगा? चल मेरे भाई भारत चल। हाँ? कोई सपने में रुमाल देता है? देख। अरे, वो तो मुस्करा रही है। हाँ? पकड़। अरे टांगे रे, रुक जा। अरे टोटे के बेटे का कत्ल कर दिया वीरे ने। तू क्या करने जा रहा है? यशोदा जी के बारे में दादा को मत बताना, काट देगा तुझे। दद्दे। विलाई दी। ए, मेरे लिए कोई मेमशेम नहीं लाया दद्दे। लव दद्दा, लव क्या? जैसे तू अपनी बीवी को प्यार करता है, हाँ वैसे ही तेरे वीरे को किसी से प्यार हो गया। बिना शराब पिए बोल सकता है, मिलवा भी सकता हूं तत्ते। अरे सुना, अरे मेरे बेटे को प्यार हो गया, मेरे वीरे को प्यार हो गया। अरे वाह, अरे वाह। ए मंगला, तू बच गई रे, तू बच गई रे मंगला, तू बच गई रे। तुझे क्या हो गया? दद्दे बोल। पूछेगा नहीं उसका नाम क्या है? जानना जरूरी है क्या? नहीं है। हाँ दद्दे जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। धरा, धरा, यशोधरा, यशोधरा राजकुमारी है। ए, ए, राजकुमारी है, माधवगढ़ की। क्या बेटा है मेरा, वाह क्या दद्दा है मेरा। ए मंगला, ए मंगला, इधर आ, इधर आ। ये भी दुश्मन की बेटी थी, बाप ने नहीं माना तो उठा कर ले आया। सरदार हैदर अली का संदेश आ चुका है, अगले शरद पूर्णिमा तक सारी तैयारियां हो जाएंगी, फिर 15,000 से भी ज्यादा पिंडारी माधवगढ़ के लिए कूच करेंगे। उस दिन पृथ्वी दो काम करेगा, एक राजा के साथ साथ
गोरों को काटकर माधवगढ़ पर झंडा लहराएगा और दूसरा बहू की विदाई कराएगा। ये! दद्दे, जब तू मां को लेने गया था क्या तू सेना लेके गया था? नहीं। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरा बेटा सेना लेकर जाएगा? अब बोल। तो दे दे कंगन। हमार तो कछु समझ में नहीं आ रहा भैया, ये क्या पागलपन है, अजीब शौक है जो इतनी दूर से जानवरन की तस्वीर खींचन लाई? माधवगढ़ से रणथंभौर आई है? माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी का सर का कछु हल्को है। माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी? अंजला जी। नो अंजला, नेम गुड। थैंक यू। यू गुड। थैंक यू। बट दिस जंगल इज नो गुड, नो बर्ड्स, नो डियर। हियर। सॉरी, हियर। टाइगर, डू समथिंग। मैडम जी, वी नॉट डू व्हाटएवर डू अब, टाइगर डू मैडम। अरे वीरे बस कर, वो तो कब से बेहोश हो गई है, मैं सच में मार देगा क्या? मेरी सब मुझ पे भारी पड़ गई। शट अप। नहीं थी ना अपनी चिट्ठी, क्यों समझती हैं आप मेरे मन को इतना? क्यों? जिसे समझना था वो तो माधवगढ़ खतरे में है। वो चिट्ठी हमें वापस कर दीजिए। लेकिन वो चिट्ठी तो हमने वीर को। क्या? आदरणीय पिताश्री, हमसे एक अपराध हुआ है। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ही वीर है। हमने आपसे यह सच्चाई छुपाई क्योंकि हमारे दिल में जो उनके लिए जज्बात है वो हम तुम्हारी इरादों को समझ गए हैं। पिंडारी का हाथ हाथ नहीं लोहा होता है। आप थक जाएंगी राजकुमारी साहिबा। आपने तो हमारी कलाई पर घड़ी बना दी, अब तो अच्छा वक्त आना निश्चित है। प्यार है या साजिश, हम क्या समझे, क्या करें? कंगन भेजे दद्दा ने अपनी बहू के लिए। एक बात बताएं वीर, अगर आपको हम में और आपके दद्दा में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? सच्चाई को। पिता अगर सच्चा हो, अच्छा हो तो हर कोई साथ देता है, लेकिन अगर पिता गलत हो तो औलाद क्या करे, उन्हें छोड़ दें? ना छोड़ें ना साथ दें, सही रास्ते पर ले आएं। क्या रास्ता दिखाएं? वो लोग अपना राजधर्म ना निभाएं, पूर्वजों से मिले राजवंश को आगे ना बढ़ाएं?
4,500 पिंडारियों को धोखा दे के मारना धर्म निभाना है। माधवगढ़ को फिरंगियों का गुलाम बनाना आगे बढ़ाना है। युवरागी जी, खतरा आपके राज्य को पिंडारियों से नहीं बल्कि आपके अपने पिता से। अगर उस वक्त आपके पिता ने वचन निभाया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। आपने राज्य की भलाई की जो शपथ ली है उसमें मैं आपका साथ दूंगा। सुबह देता हूं आपकी सेनाएं महफूज रहेंगी। पिंडारियों की तरफ से तब तक वार नहीं होगा जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं होती। ये कंगन अब मैं तभी पहनाऊंगा जब आप में सच कहने की हिम्मत आ जाएगी। पूरी दुनिया के सामने आप मुझे वीर कह के पुकारेंगी।